भाई बहुत दिन हो चुके थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अपनी i20 क्यों नहीं निकालते हो, क्यों नहीं निकालते हो। तो भाई ये निकाल दी, देख रहे हो अभी उतरा हूँ तभी ऑन हो रखे है, आ गया DRS, अभी 2 मिनट में बंद हो गए। सो आज अपनी गाड़ी निकाल के लाया और आज मैं आप लोगों को एक YouTube चैनल से मिलवाने वाला हूँ। और ये YouTube चैनल में जो एक बंदा है वो मेरा कॉलेज का दोस्त है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई इस चैनल के गाड़ी के बारे में जाके रिव्यू करो या इस गाड़ी के बारे में बताओ, जो इनके पास गाड़ी है वो कैसी है। तो भाई अभी वो आने वाले हैं, दो लोग हैं और आई गेस 3 लोग होंगे, एक अपना उसमें बहुत जिगरी दोस्त है तो उससे आपको मिलवाता हूँ। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो भाई अब आने वाले अपने भाई, यहाँ से एक बार चेकआउट कर लो। सो प्रेजेंटिंग यू ऑल, भाई का आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा द रियल वन, की पूरी टीम जो है हमारे पास आ चुकी है। सो एक एक करके आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे अपना सेम स्टिकर है ना पीछे देख लो, भाई का स्टिकर लगा हुआ है द रियल वन। तो सागर इन द हाउस, भाई क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई। भाई सागर, सागर भाई आ चुके हैं, साथ ही साथ में हमारे संयम भाई है। भाई कैसे हो भाई? हेलो, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया भाई, सब भाई देख रहे हैं वीडियो चेक कर रहे हैं। और भाई मेन बंदे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई 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 नहीं आ रहे वीडियो में, क्या बातचीत है भाई। बहुत जल्दी रियल वन टीम अपनी नई नई वीडियो के साथ आने वाली है, लेकिन आज का जो सारा मेन चीज है वो कौन सा है भाई? हम लोगों के दोनों के चैनलों में एक ही चीज आ रही थी कि गाड़ी दिखाओ, गाड़ी कैसी बनाई है। तो भाई आज एक तरीके से आप बनने वाले हो रिव्यूअर, आपने बताना कि महिंद्रा ने बढ़िया गाड़ी दी है आपको कि नहीं दी है। करें शुरू फिर? चलो भाई, ये जान मेरे से ज्यादा गाड़ी है ना मेरी, सागर चलाता है। सागर चलाता है क्या? सागर ज्यादा रिव्यू भाई, गाड़ी छीन के भाग रहे हैं क्या? तो भाई गाड़ी के बारे में आज बताएंगे सागर भाई, भाई दोनों भाई से पूछ लेंगे। मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ बट स्टिल जो भी है। और भाई ये स्टाइल क्या हो रहा है भाई? ये बड़ा चल रहा है चैनल में, लोग पूछ रहे हैं कि भाई सागर भाई के पीछे से कौन से आंखें लगा के घूम रहे हो। तो भाई ये स्टाइल देख लो भाई का, चश्मा पहनने की आदत नहीं है ना भाई। अच्छा, तो पीछे से देख लेंगे। तो चलो भाई एक बार गाड़ी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और गाड़ी पूरी आज पूरी फोम वॉश लग रही है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई अब एक बार जरूर चाहता हूँ दीपक भाई, एक बार आप अंदर बैठ जाओ, पहले उधर से सागर भाई चले जाएगा। तो दीपक भाई से सबसे पहले पूछते हैं कि भैया कौन से मॉडल है ये, मतलब कौन से ईयर की गाड़ी है ये? ये 2014 है, 2014 मॉडल है ये। और अभी तक कितना ड्राइव कर लिया पहले तो ये किलोमीटर चेक कर लो। 78,000 करीबन भाई ने ड्राइव कर लिया है इस गाड़ी को। और कैसा रिस्पॉन्स है अभी तक का ड्राइव का? पता है भाई ये नहीं बता पाऊंगा मैं कि कैसा रिस्पॉन्स है, बस ये है कि जो स्कॉर्पियो लवर होते हैं ना, हाँ जी, उनको यार यही जचेगी, बिल्कुल ये चाहिए। और रियल वन टीम के लिए तो खासकर यही गाड़ी बनी हुई है पूरी की, रियल वन की पूरी टीम इसी के अंदर चलती है। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ, अगर आप लोग बाहर से बात करते हैं तो मैं भाइयों को अंदर ही लॉक कर देता हूँ। तो गाड़ी का जो ओवरलुक है आप लोगों को बता चाहूंगा, एम हॉक इंजन जो गाड़ी का इंट्रोड्यूस किया गया था वो इसी गाड़ी से पूरा पीक में आया था। अगर फ्रंट प्रोफाइल की तरफ जाते हैं, 2014 का ये मॉडल था। और एक नंबर की चीज जो आजकल अपनी गाड़ी में हर कोई ढूंढता है, फोर्ड एंडेवर में मैंने आपको दिखाया था कि आफ्टर मार्केट में योली आप लोगों के जो पीछे रिव्यूइंग मिरर होता है ये आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। फ्रंट ग्रिल के बारे में बात करेंगे, ओवर द टाइम काफी सारी चीजें इसके अंदर चेंज हुई है, लेकिन 2014 के मॉडल के अगर आप देखेंगे तो फुल वाइट ग्रिल आप लोगों को मिलती थी, जो आप लोगों का बम्पर होता था पहले दिखाया था। ये ड्यूरेबिलिटी वाइज आज की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, वहीं पर हेलोजन बल्ब मिलते थे, हेलोजन पूरी की पूरी हेडलाइट होती थी, नॉर्मल आप लोगों के जो फॉग लैंप्स थे वही इसके अंदर रहते थे। बाकी HR 26 नंबर है, एक बारी चेकआउट कर लो HR 26 नंबर। जो जो भाई HR 26 नंबर के लवर है उन लोगों को सब कुछ पता होगा। इसके बाद भाई की तरफ चलते हैं फिर से अंदर की तरफ में। तो भाई एक चीज़ बताओ, बाहर आ जाओ आप, एक बारी मेरे को बताओ कि एलॉय और टायर से रिलेटेड क्या शौक रखते हो आप, और गाड़ी में क्या क्या करवाया? मैं तो एलॉय और टायर से कोई शौक नहीं रखता, ये कंपनी फिटेड ही अभी तक का वही चल रहा है, टायर चेंज हुए हैं इसके, ठीक है, दोबारा डलवाया, अलॉय कंपनी फिटेड है। तो देख लो भाई एक बार आप लोग चेक कर लो, ब्रिजस्टोन के टायर डले हुए, ओके रिपोर्ट, बिल्कुल गाड़ी अभी तक है। सागर जहाँ तक भैया बता रहे थे सागर ही चलाता है गाड़ी को, और बहुत सारी अगर आपने इसके इंस्टाग्राम की फोटो वीडियो देखते होंगे ना, इसके ऊपर बैठ के चलाता है। तो भाई एक बार बैठ के दिखाइयो कैसे बैठते हैं, सिखा दे लोगों को कि गाड़ी की बोनेट में कैसे बैठा जाता है। देखो ये देख रहे हो, ये है भाई। और फिर अगर कोई तेज चला जाए तो गिरते नहीं है? नहीं भाई, फिर मैं ऐसे पकड़ लेता हूं इसको। भाई देख लो, सीख लो एक बारी कैसे बैठा जाता है पूरा, भाई बंदा गिरेगा ही नहीं ऐसे। तो भाई ये चीज बहुत बढ़िया। वही एक चीज और इसमें दीपक भाई आपसे पूछा जाऊंगा, बहुत सारे जो लोग है ना वो इस वाली मिरर के दीवाने रहते हैं, आपको यूजफुल लगा जब आप हाईवे में ड्राइव कर रहे? यूजफुल तो है, यूजफुल है, आगे का फ्रंट भी दिखाता है और साइड की, मतलब बहुत डिटेलिंग से दिखा देता है, डिटेलिंग के साथ। बाइक खड़ी होती है अगर ये हमें बहुत ज्यादा कोई नैरो रोड हो वहां से निकालनी है, वहां से भी यूजफुल है।
यूज़फुल है भाई, ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट वाली चीज़ है। और आप लोगों को बताया तो जहाँ पर आप लोगों ने बीच में जो आपकी मुस्टैंग से स्टार्ट हुआ था उसके बाद, ये एक तरीके से पेटेंट नहीं था लेकिन उसके बाद अपनी महिंद्रा की कार्स में आना स्टार्ट हुआ। बेसिकली जो एयर इनटेक है, जो हीट गाड़ी मारती है, सारी हीट को अब्जॉर्व करके ये आपकी बाहर करता है, जिससे ओवर हीटिंग कार के अंदर ना हो। डिज़ाइन ओवरऑल वाइज देखना है तो कलर काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। कोई एक्सीडेंटल अभी तक कुछ हुआ है गाड़ी के अंदर? सब कुछ भी पेंट भी नहीं कराया? पेंट हुए बम्पर, वो जो हल्के फुल्के स्क्रैच लगते रहते हैं नॉर्मली, बस वही कराया गया। सो भाई अब मैं गाड़ी के अंदर की साइड में जा रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इंटीरियर के बारे में हम लोगों को बताओ, गाड़ी तैयार करवानी है तो भाई इंटीरियर एक बार चेक कर लो। ये तो मेरे को लग रहा है जब आपने परचेज की थी तभी करवाया होगा लास्ट, तभी जिस दिन परचेज हुई थी ये, उसके एक हफ्ते के अंदर ही इसके अंदर सारा काम कराया था, तब से अब तक इसके अंदर कुछ नहीं कराया। तो भाई एक बार आप क्वालिटी चेक कर लो, सीट कवर्स के बारे में बात करोगे, उस टाइम पे बकेट फिट फिनिश तो पता भी नहीं था लोगों को होता क्या है, और उस टाइम के बकेट फिट फिनिश है, एक बार चेक कर लो, आप लोगों के बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों ने टैन कलर देखा था तो टैन कलर टाइम के साथ जो है देख रहे हो ये फेड हो जाता है, और इसका शेड अभी जाके असली निकलता है, उस टाइम पे बहुत ब्राइट अप रहता है ये पूरा, लगा लो बिल्कुल लाइट हो चुका है। इसी के साथ में बैठने के लिए अभी भी आप लोगों को सेम ही चीज़ मिलती है। गाड़ी के अंदर चलते हैं, सेंटर कंसोल के बारे में बात करोगे, सेंटर कंसोल सेम सेंटर कंसोल है आज के टाइम पे, थोड़े से इंटीरियर के कह सकते हैं आप लोग छोटे मोटी चेंजेस आपको होते मिलते हैं, जो आपके एसी के वेंट्स पहले आते थे, मेरे अकॉर्डिंग ये जो एसी के वेंट्स थे इनमें एयर इनटेक जो थी वो बहुत जबरदस्त थी, कूलिंग बहुत बढ़िया होती थी। भाई एसी से रिलेटेड कैसा है महिंद्रा का रिस्पॉन्स? कूलिंग का इसका कोई जवाब ही नहीं है भाई, कूलिंग का जवाब नहीं है ना, ये चीज तो मैं मानता हूँ। नई वाली महिंद्रा भी चलाई होगी आपने, ऑफ कोर्स ही बात है स्कॉर्पियो, लेकिन नए वाली महिंद्रा में इतनी पावर फील नहीं हुई जो इसमें, और वोली गाड़ी तो ऐसे ऐसे कांपती है जब भगाओ होते हैं, लगा नई वाली जो स्कॉर्पियो है वो वर्थ है, इसलिए नहीं ली हमने, वरना स्कॉर्पियो नई वाली लेने के चक्कर में थे। तो भाई बिल्कुल इस गाड़ी को ड्राइव भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। इसी के साथ में अगर स्टेयरिंग की तरफ आप लोग देखते हो गाइस, आज के टाइम पे जब हम लोगों ने वीडियोस बनानी स्टार्ट की है तब जाके लोगों को पता चलता है कि जो आपकी लेदर स्टिचिंग होती है वो भी आप लोग पूरी स्टेयरिंग में करवा सकते हो, पहले केवल इसके ऊपर एक कपड़ा रख के सिल दिया जाता था, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुई हुई है। इसी के साथ में स्पीडोमीटर जो है आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है ये डिफरेंट लेवल का है देख लो। सो अब तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर थोड़ा बोलूंगा कि इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। 5 स्पीड का गेयरबॉक्स आप लोगों का रहता है, स्पेसिंग वाइज पहले भी स्कॉर्पियो अच्छी थी अभी भी अच्छी है। वहीं पर अगर इंटीरियर के बारे में बात करोगे ना गाइस, आपको एक चीज बताता हूँ, जितना भी आप इंटीरियर देख रहे हो इसमें इंटीरियर मिक्स मारा हुआ है, आधे में कपड़ा लगा हुआ है और आधों में ये पेंट है। पेंट की क्वालिटी इतने साल बाद भी आप लोगों के सामने है, कई सारे लोग कहते हैं भाई बेकार होता है, कई सारे लोग कहते हैं अच्छा होता है। एक चीज़ बताया तो पेंट का फायदा केवल एक लौता यही रहता है कि इसमें अगर बाई चांस पानी भी लग जाए तो ये फूलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं पर अगर कपड़े के ऊपर कुछ भी लग जाए तो कपड़े के ऊपर एक एक चीज़ आप लोगों को पूरी फील होने वाली है। सिस्टम के बारे में बात करते हैं, भाई ने कैनवुड का सिस्टम लगाया हुआ है, शौकीन हो कि नहीं हो भाई? वो बजा के देख लो आप एक बार, बजा के सुन ले तो भाई ये चैलेंज आ रहा है भाई रियल वन टीम से, स्नैप देखते ही रहते हैं भाई, यहाँ पर आगे बैठ जाएगा भाई, बात में स्नैपचैट पे देखते ही रहते हैं भाई राहुल के क्या है क्या सिस्टम। तो भाई बस ठीक है, भाई को आगे बैठाएंगे और गाना चलाएंगे, ठीक है ये चीज तो करेंगे। उसके नीचे अगर आप लोगों को देखना है कंसोल चेक कर लो, पूरा ओके रिपोर्ट है। इसी के साथ में 2014 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम पे इसकी मार्केट हाइप होनी स्टार्ट हुई थी, आज के टाइम पे स्कॉर्पियो इसलिए नहीं बिकती है क्योंकि महिंद्रा ने उसी के टक्कर की TUV 300 निकाल दिया है, उसके बाद SUV आ चुकी है। तो भाई का चश्मा गिर गया, नीचे उतार दे, उठा लेंगे इसको और अब आ जाते हैं बाहर की साइड में। तो जो पीछे बैठने वाले हमारे भाई है, पहले तो उनसे बात करता हूँ, भाई कैसा कंफर्ट लगता है? झूठ मत बोलना, सच बोलना जो लगे। भाई स्पेशियस है और काफी ज्यादा कंफर्ट है, मतलब SUV में जैसे होता है ना सेडान वाली फील आ जाती है, ठीक है फील भी इस गाड़ी में मिल जाती है। तो भाई मैं जरूर चाहता हूँ सागर भाई एक बार बैठ जाओ गाड़ी के अंदर और थोड़ा लोगों को पीछे का भी बताओ यार, क्योंकि हमारे सागर जो मेन है यहाँ पर पूरे के पूरे, सागर से सब पूछते हैं। लेकिन मेरी फैमिली खुश नहीं है भाई इसके कंफर्ट से। क्यों? ये मैं ऑनेस्टी बताना चाहता हूँ। अच्छा थोड़ा सा होता है, पता है क्या लग्जरी मेरे पास दो गाड़ी और है, ठीक है एक स्विफ्ट और एक अकॉर्ड, ठीक है तो अकॉर्ड वाली बातचीत तो नहीं आ सकती इसमें, अकॉर्ड की बातचीत नहीं आ सकती। तो ये है कि लेकिन जब फैमिली बैठती है क्या होता है धचकियों में थोड़ी सी ऐसे करते हैं, ये है बिल्कुल है, तो वो यूं होते रहते तो वो गालियां देते रहते हैं मेरे को नहीं लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बताता हूँ, आपने एक बात सुनी होगी लोग कहते हैं कि भाई लड़कों वाली गाड़ी हमें चाहिए, तो आज के टाइम पे भी ये गाड़ी बिकती है बदमाशों के नाम से, कि भाई बदमाशों वाली गाड़ी खरीदनी है तो वो स्कॉर्पियो की तरफ जाता है, लोंडो लपाड़ो की गाड़ी। और दूसरी बात इसको कहीं भी उतार दो भाई, हमने है ना कभी कभी ऐसा भी किया, हम इसको पार्क करते हैं ना फुटपाथ के ऊपर चढ़ा के करते हैं और बहुत आराम से जाती है कोई दिक्कत के बिना गाड़ी। तो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बाद में बताऊंगा आप लोगों को, और इस गाड़ी के अंदर कह सकते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट जब इस गाड़ी को निकाला गया था मार्केट में तो इसकी एक हाइप बनी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई जो है अंदर बैठ चुका है
और पूरे घर वाली फीलिंग आ रही है गाड़ी के अंदर। यही घर है भाई अपना तो। ये क्या हुआ भाई, ये खा, ये आगे आगे बैठे हो गिर जाएगा भाई। तो ठीक है, कंफर्ट आप लोग देख लो। इसी के साथ में गाइस, इस गाड़ी को जो है ना परफेक्ट, इसमें आप लोगों के तीन लोग इधर, दो पीछे और दो आगे आराम से बैठ सकते हैं। और पीछे बैठा है कभी बिल्कुल लास्ट सीट में? नहीं भाई, आज तक यार ऐसी कभी नौबत नहीं है मुझे पीछे नहीं। वैसे कभी बैठा है कभी? कैसा लगा तेरे को पीछे बैठने वाले ने बताया हो कि भाई कैसी फील है? पीछे हमारी गाड़ी में बहुत रियर बंदा बैठा है क्योंकि लगेज ही रखा रहता है पीछे। अच्छा, लगेज ही रहता है हमेशा। ये हमारे लिए 5-सीटर ही है। अच्छा, 5-सीटर कार चलती है? हां, मोस्टली 5-सीटर। वैसे तो हम दो ही तीन भाई रहते हैं और कोई रहता ही नहीं। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हेडरूम क्या। एक बार भैया आपको चाहूंगा एक बार गाड़ी के अंदर पीछे बैठ के दिखाओ कि क्या हेडरूम है। क्या हाइट होगी भैया आपकी? भाई मेरी हाइट है 5'10" है। आप लोग हाइट चेक कर लो। सागर तेरी कितनी है? 5'11" वही है यार, 11'10 है। और देख लो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है भाई। कुछ लोग कहते हैं ना हम लोग पग पहनते हैं, हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, तो भाई उनके लिए तो बढ़िया गाड़ी है ये। भाई मैंने और भी गाड़ियां चलाई हैं, इससे बहुत जो लग्जरी गाड़ियां हैं एसयूवी में, ठीक है, मेरे को उतना हेडरूम उसमें भी नहीं लगा। हाँ बिल्कुल यार, ये चीज के बारे में आ रहा हूं। उसके साथ में लेग रूम अगर देखोगे ना, लेग रूम ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा है, नहीं अभी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई हमने सीट। हाँ, सीट जो है पीछे कर रखी है, नहीं तो वैसे इसके अंदर बिल्कुल सेटिस्फेक्ट्री वाले आपको चीजें मिल जाती है। बीच में चेक कर लो आप लोगों को, यहाँ पर एसी के पीछे रियर वेंट्स भी मिलते हैं और बढ़िया वाला, बीच में कोई हम्प नहीं है, तो छोटा बच्चा कोई बैठना चाहे तो आराम से उसमें बैठ सकता है। एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर, मैंने अभी नई गाड़ी में मतलब भाई की है तो बैठते ना यार, तो हम तो टकराता है भले वो कितनी भी हाइटेड हो, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट से अपना मतलब एक भाई कोई अगर टोयोटा से बात सुन रहा था भाई लड़का देख लो, इसका डाल देंगे भाई इसी को। ओपिनियन दे रहा हूं भाई वाला जो मैंने एक्सपीरियंस किया इसके अंदर। चलो ठीक है, इसके बाद भाई गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो इसके बारे में दीपक भाई से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले द रियल वन भाई, जिसने नहीं किया सब्सक्राइब जाके दबा दो बटन, ठीक है, द रियल वन एक बार फॉन्ट भी चेक कर लो। इसी के साथ में भाई पीछे के बारे में बात करते हैं। आज के टाइम पे बिल्कुल एक चीज ऑनेस्ट होकर बताना, 2018 की गाड़ी को 2017-2014 की गाड़ी से अगर कंपेयर करूं तो पीछे से किस गाड़ी का लुक ज्यादा बढ़िया लगता है? भाई मेरे को तो वैसे इसी गाड़ी का अच्छा लगता है, ठीक है, 2014 मॉडल का। लेकिन क्या है, जैसे कि 2000 का नोट नया नया आया था ना, ठीक है, तो इतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब पसंद आने लगा, तो मेरे हिसाब से जो नई वाली स्कॉर्पियो वो भी पसंद आने लग जाएगी। हाँ वो ये चीज तो है कि बिल्कुल आप लोगों को पसंद आने लग जाएगी। अपनी गाड़ी तो हमेशा हर किसी को पसंद आती है। इसी के साथ में हाईवे में कैसा रिस्पॉन्स है जब इसको तेज स्पीड में भगाते हो? हाईवे पे तो भाई अच्छा रिस्पॉन्स है और स्पीड में ही जाती है हमारी गाड़ी। जाने ये भी चाहता हूँ अभी, मतलब राहुल से ये भी चाहता हूँ कि भाई एक बार हमारे साथ हाईवे पे चलना। ये गाड़ी ड्राइव करके देखें, पता है आपने बहुत स्कॉर्पियो चलाई है। अच्छा, अब ये नहीं कह रहे पता नहीं क्या मैन्युफैक्चरिंग में शायद कुछ ऐसा हो, लेकिन क्या हो, लेकिन इसकी जितने भी हमारे अभी तक दोस्त बैठे इस गाड़ी में, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन और काफी सारों को बता रहा हूँ, एक बार मैं आपसे भी चाहता हूँ भाई आप आके बैठना और आपको पता, ड्राइव करो एक बार गाड़ी और ड्राइव करके देखना, इंजन अलग ही आप देखना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं किसका इंजन इसमें डाल रखा है भाई। ये चीज तो मैं भी मानता हूँ कि जो पुरानी स्कॉर्पियो थी यार, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, वो इस गाड़ी के साथ बिल्कुल चीज जाती है। और इस गाड़ी को अगले 10 साल भी चला लो कुछ नहीं होगा इसको। यार इसके अंदर कुछ अलग चीज है वो पता नहीं, अभी पता बैठ के पता चल जाएगी, वो फील होगी जरूर। तो भाई पता नहीं क्या फीलिंग ले रहा है, ये अलग सी फीलिंग चल रही है। तो इसके बाद भाई गाड़ी के बैक प्रोफाइल की तरफ आप लोगों ने देख लिया। अब पीछे की सीटिंग अगर देखनी है, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहली मैंने ऐसी कोई गाड़ी देखी है जिसकी लास्ट रो में कुछ सामान नहीं पड़ा हुआ। मेरे जितने दोस्तों की गाड़ी है, जितनों की भी गाड़ी देखी है, किसी के पीछे टायर पड़ा होता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है कि पंचर हो जाती है तो लोग नीचे लगाते ही नहीं है उसको, वो टायर इधर ही छोड़ देते हैं। हमारे टायर आज तक पंचर ही नहीं हुए, टायर पंचर नहीं हुए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं तो लोग इधर टायर डाल के रखते हैं। एक बार देख लो कितनी क्लीन है। और भाई रॉकफोर्ड की अपनी बेस ट्यूब डली हुई है, इसको बजा के भी आप लोगों को सुनवा देंगे। तो ओवरव्यू वाइज अगर आप लोगों ने जानना था, दिखा दिया मैंने आपको। भाई से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बात करेंगे गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, एवरेज क्या दे रही है, इंजन कैसा लगा, मेंटेनेंस कितने की है, और क्या अगर कोई 2018 में ये गाड़ी खरीदना चाहता है तो क्या खरीदना बनता है कि नहीं बनता। तो भाई सागर भाई चलो गाड़ी के अंदर बैठते हैं। आप चलाओ। नहीं मैं चलाऊंगा, आज मैं चलाऊंगा। चलो भाई मैं चलाता हूँ। सो भाई गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देख लो दीपक भाई ने बेल्ट पहन ली है और मेरी बेल्ट भी दिख जाएगी थोड़ी थोड़ी अगर देखोगे ना पास से। देखो बेल्ट पहन लिया, वीडियो में आज तक बेल्ट नहीं लगे लेकिन भाई ने बेल्ट, भाई यार बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, रियल वन टीम बेल्ट पहन दे भाई। मैंने जींस में डाल लिया अपनी, भाई भाई ने अपनी जींस में डाल लिया बेल्ट, ठीक है। तो आ जाओ भाई, आप लोगों को सबसे पहली चीज दिखाता हूँ। जो जो नई गाड़ी के शौकीन है, जिन जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ी है, उनको एक छोटा सा ज्ञान इसमें मैं दे देता हूँ। सबसे पहली चीज चेक करो भाई गाड़ी का सेल्फ जो है वो कितना रिस्पॉन्सिव है। 2014 का मॉडल है तो हो सकता है कि गाड़ी सेल्फ लंबी ले, जो कि यूजली आप मारुति की गाड़ियों में देखते हो। तो भाई बिल्कुल भाई ने क्लोजर व्यू आप लोगों के लिए डाला हुआ है और आवाज सुनना बस। तो भाई देख लो जितने स्पीड में गाड़ी उठनी चाहिए उतने में उठ रही है। और क्लच के बारे में बात करोगे भाई, मेरे को बहुत सुपर स्मूथ लग रहा है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां चला रखी है। और क्लच एक बार चेक कर लो, बाकी ब्रेकिंग तो चलाने के बाद ही पता चलेगी। तो पहले गियर में डालते हैं और जय भोले की गाड़ी खींच देते हैं। तो सबसे पहली चीज दीपक भाई चलते हुए बात कर लेते हैं कि गाड़ी की आपको अभी तक एवरेज क्या मिल रही है?
गाड़ी की एवरेज वैसे बेसिकली अब तक नोट नहीं करी है, ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मैम, ठीक है मेरे को कंफर्ट हूँ मैं इतने एवरेज से, फिर भी थोड़ा आइडिया कुछ अगर व्यूअर 12-13 की एवरेज आ रही है गाड़ी में, तो यार 12-13 की एवरेज तो सही है, नई गाड़ी के लिए लोग रो रहे हैं कि 12-13 की एवरेज नहीं आती है। इसी के साथ में गाइस अगर हैंडलिंग वाइज आप लोग मेरे से पूछते हो तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जो नई वाली गाड़ी है वो थोड़ी सी बम्पी है, मतलब जब आप उसको हाईवे में तेज स्पीड में ड्राइव करते हो तो वो गाड़ी उछलती है हल्की सी चलाने में, लेकिन इस गाड़ी के साथ वो चीज कई हद तक हट जाती है, वहीं पर थोड़ा सा एक्सेलेरेट आप लोगों के लिए कर देते हैं, ऑल्दो जो हमें रोड जो है थोड़ी सी अभी टाइट वाली मिल रही है, एंड ब्रेकिंग उसी के साथ में परफेक्ट बिल्कुल ब्रेकिंग का काम इसमें चल रहा है। एंड इसके साथ में एक चीज मैं आप लोगों को और इंक्लूड करके बता देता हूँ कि अगर आप लोग कभी भी कोई SUV गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, स्पेशली अगर आप महिंद्रा की गाड़ी ड्राइव करोगे, तो मेरे पास बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि भाई ये जो स्टेयरिंग है ये स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग नहीं है, आपको फील हुई है भैया कभी चीज, पहले तो ये चीज बताओ फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें कि क्या डिफरेंट चीज है, आपको फील होता है कि पावर स्टेयरिंग नहीं है, थोड़ा टाइट है, थोड़ा टाइट, अगर हम चलाते हैं स्विफ्ट अपनी, हाँ बिल्कुल स्विफ्ट वाली बात है, चलाने के बाद तो ये लगता है कि इसका थोड़ा टाइट है, लेकिन बिल्कुल इतना, लेकिन ठीक है चल जाता काम। तो गाइस जो जो भाई मेरे नए हैं, जिन जिन लोगों ने खरीदनी है गाड़ी, इसमें हाइड्रोलिक है यार, देखो सब कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम है, पावर स्टीयरिंग नहीं है, ये हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक का फायदा क्या रहता है, गाड़ी कभी भी इनबैलेंस नहीं होती है, इसको कभी भी आप लोग पहाड़ों में चला रहे होंगे ना, कभी भी रिकॉर्ड रहेगा गाड़ी का कि गाड़ी एकदम से लेफ्ट या राइट नहीं भागती है, बिल्कुल चिपक के रोड पे चलती है। इसी के साथ में भाई मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, एक नंबर का बिल्कुल गाड़ी खींच रही है, और आप लोग थोड़ी सी एक्सेलेरेट कर देते हैं गाड़ी को, लेकिन ज्यादा एक्सेलेरेट नहीं करेंगे, 60+ स्पीड में लेके जाऊंगा, और रिस्पॉन्स वाइज तो भाई मजा आ ही रहा है। पीछे हमारे सागर भैया बैठे हुए, सागर भैया कितनी भगाई है टॉप स्पीड गाड़ी की? इसकी भाई टॉप स्पीड अभी लास्ट 20 दिन पहले आगरा एक्सप्रेस वे पे लखनऊ से आगरा टच कर दी थी, 180 टच कर दी थी, और गाइस पहले कह रहा हूँ भाई ये 180 आपको बोल रहा है इट जस्ट फॉर फन, लेकिन मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करता कि भाई 180 की स्पीड में कहीं पर नहीं, 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 नॉर्मल रोड में मत चलाओ, बोल दे सागर ये चीज बोल दे भाई, हाँ भाई हाईवे का चलाना मत। वैसे हम जस्ट एक चेक ले रहे थे गाड़ी का कि हमारी अभी भी गाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, तो बस हमने एक बार देखी है 170-180 नॉर्मली चल जाती है, पूरी लास्ट चली जाती है। और एक चीज और बताओ, दीपक भैया की तरफ लेके जाओ कैमरा क्योंकि गाड़ी के मेन ओनर है, तो दीपक भाई एक चीज बताओ, गाड़ी में जैसे काफी सारे लोग कहते हैं यार इस गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसा लगता है कि ऊपर से बैठ के हम लोग मूवी देख रहे हैं, हाँ। क्या ये फीलिंग है कि नहीं? ये बात सच है, जो स्कॉर्पियो चला लेगा और उसको 3-4 महीने अगर ये गाड़ी चला ली ना, तो छोटी गाड़ी में बैठ के उसको ऐसा लगेगा कि कुछ फील ही नहीं आएगी, उसको लगेगा धरती पे बिठा दिया। और एक चीज और है, सबसे बेस्ट चीज जो इस गाड़ी की है ना भाई, गाड़ी का बोनट दिखता रहता है, हाँ। तो कटिंग में मजा रहता है, हमें थोड़ा पूरी गाड़ी दिखती है साइड से, बिल्कुल देखो पूरा, मैं ऐसे करके अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो कटिंग में बहुत इजी रहता है, बाकी कभी छोटी मोटी टचिंग तो यार होती रहती है, वो इतनी नॉर्मल चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हॉर्न चेक करना है तो हॉर्न सुन लो, लास्ट में जो लोग रुके हुए हैं सिस्टम सुनने के लिए, भाई लास्ट तक रुके रहे ना, भाइयों ने बढ़िया सिस्टम लगाया हुआ है, सुना देंगे एक नंबर का। इसी के साथ में भैया कुछ गाड़ी के बारे में जो चाहते हो, जो महिंद्रा के अगर कोई बंदा देख रहा हो और वो इसके अंदर कोई चीज चेंज करवाना चाहो, आप जो चाहोगे कि महिंद्रा की गाड़ियों में चेंज होना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, और कुछ चेंज एक चीज को चेंज कराना चाहो? मैं तो इसका इंटीरियर ही कहूंगा, इंटीरियर बढ़िया आना चाहिए, नई वाली का अच्छा लगा या बुरा लगा? इससे तो बेटर है, इससे बेटर है, हाँ। लेकिन उससे भी अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं? अपग्रेड करना चाहिए। अगर मेरे को स्कॉर्पियो के बाद अगर कोई एसयूवी गाड़ी अगर मैं लूंगा, ठीक है, तो वो होगी फोर्ड एंडेवर। फोर्ड एंडेवर, हाँ। बिल्कुल, वीडियो देखिए लेटेस्ट वाली, हमने फोर्ड एंडेवर की एक वीडियो बनाई थी बढ़िया वाली, जीप कंपास वाली देखी थी अभी, अच्छा, और मेरा दिल जीप कंपास पे आ गया था, अच्छा सनरूफ देख के, भाई वही बात है, पैनोरामिक सनरूफ आपको गाड़ी के अंदर मिलता है जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। तो गाइस आप लोगों को भाई की तरफ से पूरा आइडिया मिल चुका है, थोड़ा सा मैं भी अभी अब ऑफलाइन हो जाते हैं थोड़ा कैमरे से, थोड़ा सा मैं भी एंजॉय कर लेता हूँ। सो भाई आप लोग हम थोड़ा सा कर रहे हैं अपना म्यूजिक वाला टेस्ट, तो NCS के सॉन्ग चला रहे हैं, नो कॉपीराइट सॉन्ग सुनना है, आवाज सुन लो कैसी लगती है बता देना। तो भाई वीडियो हो चुकी है यहीं पर कंप्लीट, अब आप लोगों को थोड़ा सा भाई के बारे में बता देता हूँ, भाई और मैं है कॉलेज फ्रेंड, इसके बाद भाई के थ्रू मैं मिला दीपक भाई से,
और दीपक भाई से मैं मिला अपने संयम भाई से। तो आप लोगों को बता देता हूँ, रियल वन की जो पूरी टीम है, आप लोगों को जो कहते हैं ना लोग कि भाई ये मत करो, ये डरावनी जगह, यहाँ मत जाना, तो भाई ये ख़त्म कर रहे हो, वो वहम हटा रहे हैं आप लोगों के दिमाग से। और अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए जो रिफॉर्म्ड हो, और स्पेशली जो चाहते हैं कि भाई हमें हॉन्टेड जगह देखनी है, हमारी किसी से भी डर नहीं लगता हमें, तो भाई भाइयों का चैनल देख लो, एक नंबर का चैनल है। इसी के साथ में आपने लिखना है द रियल वन। सागर भाई, दीपक भाई और संयम भाई तीनों टीम में है, और ऐसे भाई जैसे अपने भाई के चैनल को बिल्कुल बरकरार रख के प्यार दिखाया, वैसे भाइयों के चैनल को भी दिखाओ। और एक नंबर का सपोर्ट चाहिए, एक नंबर का प्यार चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे ही फैमिली ग्रो होती है। और हम लोग मानते हैं कि यूट्यूब में जब भी आप लोग आ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप, किसी के ऊपर सर में पैर रख के मत चढ़ो, साथ में चलो, मजा आता है यार, मजा आता है उसी में, ठीक है। और कुछ कह रहे थे तुम, डर लगता है भाई? मेरे को बहुत डर लगता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुत्तों से डर लगता है, छोटे कुत्ते होते हैं ना उनसे डर लगता है। भाई भाई को लेके चलेंगे किसी हॉन्टेड प्लेस पे, अब ये नहीं बता रहे कहाँ लेके चलेंगे, क्योंकि वो एक सरप्राइज है भाई। अब ये मतलब ना, ये वहाँ पर ये भाई ये मुसाफिर को गाड़ी से हटवा के किसी और चीज में डालेंगे। अब मुसाफिर को तो हमने देख ही लिया भाई, और मुसाफिर ने हमें सब कुछ बता दिया भाई अपना। अब हम अपना बताएंगे कि हमें भाई क्या दिखाना है मुसाफिर को, भाई कोई अच्छी चीज ही दिखाना भाई। अरे बहुत प्यारी चीज दिखाएंगे, ठीक है भाई। और ठीक है, तैयार रखें फिर, चलो भाई बस तैयार रहो, पता नहीं आज ले जाए कल ले जाए। तो जो वीडियो है वो आएगी भाई के चैनल में, ठीक है भाई, जाके जल्दी सब्सक्राइब मार दो, जल्दी खत्म करते हैं। और इसी के साथ भाई आज की इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। वीडियो किसी भी पॉइंट में इन्फॉर्मेटिव, बढ़िया, देखने लायक, और लगा हो कि भाई हाँ दिमाग में हिट कर गई ये बात, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का क्राइटेरिया क्या है? अगर मॉडिफिकेशन, नई गाड़ियाँ और डिफरेंट चीज़ें झेल सको तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR7811, यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। द रियल वन टीम को भाई थैंक यू बोलना चाहेंगे, गाड़ी लेके आए भाई अपने भाई लोग। भाई टीम क्या है, पहले तो यार हम भाई है, भाई है, भाई है यार, भाई हम लोग कॉलेज के दोस्त है, हम कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज के दोस्त है। अगर बातें निकल गए ना तो भाई चैनल में अलग बातें चलेगी, फिर वो पर्सनल लेवल की बात है। पर्सनल लेवल सोचा भाई साथ में, देखते क्या पता आने वाले टाइम पे भाई आपको कॉलेज की लाइफ भी शेयर करे, सबके बारे में बताए भाई क्या करते क्या नहीं करते। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। सब भाई ऐसे कर दो भाई, ये वाला अपना भाई पेटेंट हो गया वहाँ, ये भाई बढ़िया वाला। हमारी यहाँ पर रियल वन की टीम आई है और बदमाशी चल रही है, बदमाशी।